तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। यार इस वीडियो में आवाज़ थोड़ी कम होगी और बोलने में भी दिक्कत आ गया मुझे क्योंकि तबीयत ख़राब हो रखी थी। तो सबसे पहले तो यार मैं अपनी तबीयत की कहानी बाद में बताऊंगी आपको, जल्दी जल्दी ये वीडियो कवर करनी है क्योंकि मेरे में बिल्कुल एनर्जी नहीं है अभी ज़्यादा। सबसे पहले यार मैं IST एयरपोर्ट पर हूँ। ये वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट एयरपोर्ट माना जाता है, लेकिन अब यहाँ पे सिक्योरिटी है, टिकट कंट्रोल है। तो मैं पहले कैमरा बंद करती हूँ एक मिनट। भाई मैं IST एयरपोर्ट पे हूँ अभी एंड मास्क पहनना ऑलमोस्ट कंपलसरी है, लेकिन मैं अभी साइड में हूँ तो मैं आपसे बात करती हूँ दो मिनट तक। तो यार सबसे पहले तो मेरी इथोपिया की फ़्लाइट है, ये तुर्की से इथोपिया की। आज तारीख है 22 अक्टूबर। मेरा वीज़ा था तुर्की का 27 अक्टूबर तक का, लेकिन मैंने सोचा कि 22 तक की फ़्लाइट करा लेते, कोई नहीं इतने दिन क्या करेंगे रुक के। और मुझे गोप्रो भी ये वापस करना था, उमा का, ये उमा का गोप्रो है। तो उमा भी इथोपिया में ही है, तो वो 23 को कहीं जा रहे हैं। मैंने अभी ज़्यादा बात नहीं हुई क्योंकि मेरा बिल्कुल 3-4 दिन में माइंड बिल्कुल स्किप हो गया, बहुत टायर्ड हो गई थी मैं। बट एनीवेज यार ये एयरपोर्ट है। आई होप सबसे पहले कि आप लोग को आवाज़ आ रही है अच्छे से। तो सबसे पहले तो यार आपको ये सिक्योरिटी चेक इन है जो पहले वाला, इसमें टाइम लग जाएगा 10-15 मिनट, तो थोड़ा टाइम निकाल के आना एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट बहुत बड़ा है और भाई राम मेरे से बोलना नहीं जा रहा बिल्कुल मेरे को, बाप रे। दूसरा मैं कह रही हूँ कि ये बोर्ड लगे होते हैं इंफॉर्मेशन के लिए, चेक इन इंफॉर्मेशन आपको बड़ा बड़ा दिख रहा है। ये बिल्कुल यहाँ पे सिक्योरिटी चेक इन है और बिल्कुल यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन दिख जाएगा। तो ये तीसरे या चौथे में मेरे फ़्लाइट का डिटेल लिखा हुआ है, आप टाइम के हिसाब से देख सकते हैं। तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि ये फ़्लाइट नंबर है और इस गेट पे जाना है F4G पे। तो ये देखिए आप, यहाँ पे E है, D है और ये F है, ठीक है। तो F और G, अब इधर चल के मेरे को ढूंढना पड़ेगा। तो यार मेरे को ये बताने में आप लोगों को थोड़ी सी गलती होगी कि इधर जब आप आओगे F और G की तरफ, तो आपको बोर्ड पे यार शायद टिकट नंबर या जगह का नाम ना दिखे। तो ये लोग यार यहाँ पे इनका मिक्स सिस्टम है। तो मैं आई तो यहाँ पे हर तरीके के लोग खड़े हैं बहुत सारे, और आई थिंक हर 2-3 मिक्स जगह की डेस्टिनेशन है क्योंकि एयरलाइन सेम है। तो आपको सिर्फ वहाँ पे नंबर देखना है कौन सा है, ABCDEFG, और उस जगह आ जाना। एंड उसके बाद हर जगह मिक्स है, तो होपफुली आई थिंक सही वाले पे ही खड़े हैं हम, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी यार एयरपोर्ट वैसे ही बहुत बड़ा है, मैं तो ये सोच रही हूँ इतना पैदल कैसे चलूँगी मैं यहाँ पे। तो यार ये सब ने भाई बहुत लंबी कतार बना रखी है, और अब बोर्ड पे अगर दिखेगा नहीं गोप्रो में, लेकिन कहीं पे भी टिकट नंबर या जगह का नाम नहीं है। तो मैं ऐसे ही लाइन में आ गई जनाब, क्योंकि ऑफकोर्स कोई अदर वे नहीं है। तो जनाब यार अभी मैं इधर काउंटर पर खड़ी हूँ एंड एक बैग ऑलमोस्ट मैंने दे दिया है, और ये मेरा ई वीज़ा था, ये इन्होंने कोरोना टेस्ट और वो देखी फ्लाइट टिकट फ़ोन में। तो आई थिंक अभी सिस्टम में चेक कर रही हैं मैम साहब, और उसके बाद देखते हैं। और ये लंबी लाइन लगी हुई है, एक बार बोर्डिंग पास मिल जाए तो मैं आप लोगों से बात करूँगी। तो इधर कुछ आपको ऐसा दिखेगा एंड सही है। तो जनाब यार सबसे पहले तो ये सीन है कि बोर्डिंग पास हमें मिल गया, तो मुबारकें। ये रहा भाई अपना बोर्डिंग पास, और 5:15 पे इन्होंने बोला है कि यार बोर्डिंग शुरू हो जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं आई। एक मिनट यार, तो यार दिक्कत कोई नहीं आई एंड उन्होंने सिर्फ चेक करा मेरा कोरोना टेस्ट और टिकट वीज़ा उन्होंने देखा भी नहीं। यार तो मैं अभी बिल्कुल पासपोर्ट कंट्रोल की तरफ खड़ी हुई हूँ, एक बार पासपोर्ट कंट्रोल ख़त्म हो जाए फिर आप लोगों से बात करते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे लोगों ने कतार बना रखी है, तो कैमरा अलाउ नहीं है, तो बंद करती हूँ मैं कैमरा अभी। तो जनाब यार ये वाली सिक्योरिटी चेकिंग हो गई है, दूसरी वाली इधर, एंड इधर बोर्ड लगाया कि ऑल गेट सारे दरवाजे भाई इस तरफ है। तो अभी हमें चल के पैदल ढूंढना पड़ेगा एंड सब सही जा रहा है फिलहाल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
लेकिन यहाँ पे अलग ही माहौल अपना बन रखा है। इधर काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है यार, तभी बोला जाता है कि दुनिया का वन ऑफ द लाइक सबसे बड़ा एयरपोर्ट में से एक है ये। तो हर तरीके के दुनिया जहान के यहाँ पे आपको स्टोर मिल सकते हैं, जिसको जो ख़रीदना है वो ख़रीद सकता है भाई। तो दुनिया जहान की सारी चीज़ें पड़ी हैं यहाँ पे, एक नंबर। सर पहले मैं अपना गेट ढूंढ लूँ यार, फिर आप लोगों से मैं बात करती हूँ। तो जनाब यार, आप गेट इंफॉर्मेशन के लिए ऑफ कोर्स यहाँ आ सकते हो। अभी सिर्फ सर अभी सिर्फ 5 बजे तक का गेट का नंबर दिखा रहे हैं, हमारी गेट नंबर अभी भी नहीं आया, तो थोड़ी देर बाद फिर से चेक करने आना पड़ेगा। तब तक के लिए जनाब हम कहीं विश्राम करते हैं, क्योंकि और कुछ समझ नहीं आ रहा यार क्या करूँ। ना मुझे कुछ ख़रीदना है, ना मेरे को कुछ यहाँ पे देखना है। फिर बात ऐसी है कि ऑलमोस्ट सफ़र के लिए हम तैयार हैं, एंड भाई हाथ मुंह वगैरह धोने आई थी मैं यहाँ पे, और बिल्कुल गेट का टाइम अब आ गया होगा। वहाँ पे चल के गेट नंबर देखते हैं और उसके बाद डिसाइड करते हैं, नहीं डिसाइड क्या करना है, फिर बाहर चल के भाई गेट नंबर देखते हैं एंड उसके बाद अपना सफ़र शुरू करते हैं गेट की तरफ हम। तो मास्क पहन लूँ पहले मैं बाहर निकलने से पहले। तो भाई साहब ये गेट नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है एडिस अबाबा का A8A। तो इथियोपियन एयरलाइन भी है और तुर्किश एयरलाइन भी है, आई थिंक दो दिखा रहा है, बट एनीवेज हमें ए की तरफ जाना है और A8 पे जाना है। तो चलते हैं जनाब, एंड बाकी चल के पता चलेगा आगे का सीन। यार मैं खाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मुझे भूख बहुत लग रही है। मैंने सिर्फ सुबह खाना खाया था और तब से मैं एयरपोर्ट पे, और शाम के ऑलमोस्ट 5 बज रहे हैं। तो एक तो बड़ा अजीब लग रहा होगा आप लोग को ये वीडियो देखने में, ये मास्क लगा हुआ है मेरे मुंह पे, बट कोई नहीं, कुछ नहीं कर सकते इसका। एंड ये आप लोग देख सकते हैं यार, ये गेट का आपको एरो बना हुआ दिख जाएगा, तो दिक्कत नहीं आएगी। एंड इसके बाद हमें बस जैसे जैसे डायरेक्शन दिख रही है वैसे वैसे जाना पड़ेगा। यार एयरपोर्ट में जैसा मैंने बोला, दुनिया जहान का सब पड़ा हुआ है, कुछ भी खरीद सकते हो आप। मेरे कुछ जर्मन के दोस्त बोलते हैं प्योर कैपिटलिज्म, मैंने कहा ये भी सही है, क्यों नहीं, गजब। तो जनाब ये इधर इस तरफ बाज़ार इन्होंने बना रखा है लोकल ट्रेडिशन तरीके से, बकलावा है, तुर्किश डिलाइट है, आई थिंक मिठाइयाँ हैं ये सारी। तो ये बड़ी अच्छी बात है, अपना कल्चरल कुछ बना रखा है। एडिस के एयरपोर्ट पे भी ऐसा ही है, इथियोपिया के एयरपोर्ट पे भी उन्होंने एक जगह पे अपनी कॉफ़ी ट्रेडिशनल दिखा रखी है। तो ये पूरा एक एरिया स्पेशल इन्होंने डिज़ाइन बना रखा है तुर्किश तरीके से, एक नंबर। लोगों ने कपड़े भी तुर्की के पहने हुए हैं, वाह। फिर अब ये इस तरफ वेस्टर्न शुरू हो गया दोबारा। ए गेट यार हमारा अभी भी सीधा एरो बना हुआ है, तो सीधा सीधा चलना है हमें, एंड चल के पता चलेगा वो। यार मेरा इंडिया आने का ऐसे बड़ा मन कर रहा है, लेकिन देखते हैं कब वापस आऊँगी, मन तो बहुत है जनाब। यार जनाब तो मेरा गेट है भाई A8 और A, तो ये आप पढ़ेंगे तो A1 है, और उसके बाद ये सामने दो बोर्ड लगे हुए हैं, A2 वाला इस तरफ आ जाएगा, और ये देखिए A3 से A11 वाले हैं जो वो बोला कि भाई सीधा है। तो ऐसे बोर्ड में सब लिखा होता है, तो रास्ते देख देख के चलेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। तो हमें भाई A8 वाले पे जाके रुकना है, एंड अभी और सीधा सीधा ये A3 के आसपास की जगह है शायद, यहाँ पर लिखा है A4 A11 आगे, सही है।
तो भाई चलते हैं, अभी थोड़ी सैर सपाटा करते हैं और फिर आप लोगों से बात करते हैं जनाब। तो जनाब यार ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, ऑलमोस्ट क्या पहुंच ही गए हैं। तो ये आपको सामने दिख रहा होगा, ये A8 लिखा है और वो वाला A8A है। तो अभी 10 मिनट तक भाई स्टार्ट होगी बोर्डिंग। फ़िलहाल तब तक के लिए हम कहीं पर विराजमान होते हैं, बैठते हैं और नज़ारे देखते हैं। बाकी सब यार कुशल मंगल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड वो आई थिंक सही जगह पहुँचे हम। तो जनाब एक तो तबीयत ख़राब थी और शुक्र है आज बहुत शांतिमय सफ़र निकला है, तो इस बात की खुशी है मेरे को। अगर वीडियो में आवाज़ थोड़ी कम आ रही होगी तो उसका यार बुरा मत मानना, क्योंकि मेरे से सच में अभी तक बोला नहीं जा रहा। बट एनीवेज अभी तक सब सही निकला है, तो आई होप आगे भी सब सही जाएगा। एंड जब बोर्डिंग शुरू होती है तो मैं आप लोगों से बात करती हूँ। अभी इधर थोड़ा यार शांत है बट सही है।